अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना भी ख्याल रख रही हूँ और साथ में अपने घर वालों का भी ख्याल रख रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग से। आज थर्सडे है और जैसे ही आँख खुली बाहर देखा तो बड़ा ज़बरदस्त वेदर हो रहा था, और इसके बाद जो है अब नाश्ता करेंगे और नाश्ते में जो है देखें क्या बनता है, क्या पकाते हैं, और साथ साथ थोड़ी गपशप भी करेंगे क्योंकि टेंशन है, हर जगह टेंशन है, हर कोई परेशान है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सबको बचाए। मैं तो बस यही कहूँगी कि बार बार ख़ुद भी हैंड वॉश करें, बच्चों के भी कराएं, और सुना है स्टीम देने का बहुत फ़ायदा है, तो ख़ुद भी स्टीम लें, अपने घर वालों को भी स्टीम दिलाएं। चलें जी नाश्ता करते हैं। बच्चों की तो फरमाइश है मीठे पराठे, मीठे पराठे बनाएंगे बच्चों के लिए। और सात अंडे फ्राई भी हो रहे हैं क्योंकि किसी ने पराठे खाने हैं, किसी ने एग फ्राई खाने हैं। किसी ज़माने में हाफ फ्राई अच्छा लगता था, लेकिन आजकल जिस तरह नई नई बीमारियां आ रही हैं तो अभी है कि अच्छी तरह फुल फ्राई एग और साथ ब्रेड। चलें जी नाश्ता हो चुका है, अब जी दोपहर खाने की तैयारी। तो अब जी हम बना रहे हैं चिकन चने, चाहे मुर्ग चने कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि कुकिंग के बग़ैर गुजारा मुमकिन नहीं है और ख़वातीन के ऊपर ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं क्योंकि पहले औरतों की रूटीन थी, अब ये है कि हर कोई घर में है, रूटीन जो है वो थोड़ी और तरह की हो गई है। तो चलें जी सालन बनाते हैं। जैसे नॉर्मल सालन बनता है, पैन में ऑयल डालें, प्याज डालें, जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दें, साथ जो है वो टमाटर चॉप किए हुए थोड़ी देर में वो डाल दें बनाई करके। सभी ऐसे बनाते होंगे। तो हम सबको नमाज़ पढ़ के दुआ करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए क्योंकि हर कोई परेशान है, और जो भी एहतियाती तदाबीर है उनको लागू करना चाहिए अपने और अपनी फैमिली के ऊपर।
ताकि हम सब इस वायरस से बच सकें और बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी है। साथ साथ मसाले की भुनाई भी हो गई है और जैसे ही ऑयल अलग हो तो चिकन डाल दें। और चिकन की भुनाई कर लें। चिकन की भुनाई हो जाए तो दही डाल लें, दही डाल के थोड़ा भून लें। तो जब थोड़ी भुनाई हो जाए तो चने डाल दें और थोड़ी सी भुनाई करके जो चनों का पानी है वो डाल दें। और जब ग्रेवी में ऑयल ऊपर आ जाए तो गार्निशिंग कर दें जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर से। मज़ेदार सालन तैयार है। बंदे सारे वहां बच्चों ने सवाइयों की फरमाइश की थी, तो ज़ाहिर है बच्चों ने फरमाइश की है, भूख भी लग रही है तो सवाइयाँ बनानी पड़ी। थोड़ी गपशप करते हैं। पहले तो जुम्मे की नमाज़ मना थी, लेकिन अब ये ऑर्डर है कि बाकी नमाज़ भी घर में पढ़ें ताकि वहाँ एक जगह इकट्ठे ना हों और ये वबा मज़ीद ना फैले। और इसी में बेहतरी है ताकि ज़्यादा बीमारी फैले नहीं, लोग अपने घरों में रहें। फिलहाल तो बहरीन की रौनकें जो हैं बहाल नहीं हो सकती हैं, अजीब जरानी है वहाँ इतनी रौनक हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ज़िंदगी एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से रवाना हो जाएगी अगर हम हुकूमत की बातों पर अमल करेंगे और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको लागू करेंगे तो इंशाल्लाह। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।